मैन बाय अस नंबर ऑफ पेन ऑफ रुपीज 80, मतलब 80 रुपए में कुछ पेन खरीदता है। इफ ही हैड बॉट फोर मोर पेन फॉर द सेम अमाउंट, मतलब इसी अमाउंट में चार पेन एक्स्ट्रा खरीदता है, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज लेस, 1 रुपए कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। हाउ मैनी पेन डिड ही बाय, उसने कितने पेन खरीदे ये आपको बताना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट लेट नंबर ऑफ पेन बी एक्स, लेट नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स। हमने नंबर ऑफ पेन को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, हमने नंबर ऑफ पेन को एक्स मान लिया। अच्छा, अगर मैं एक्स पेन ले रहा हूं और मेरे पास 80 रुपए हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन क्या होगी, एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, कोई बता सकता है। अगर मैंने लेट किया है कि मेरे नंबर ऑफ पेन जो है वो एक्स है, नंबर ऑफ पेन जो है अगर वो एक्स है, तो कोई मुझे बताएगा कॉस्ट क्या होगी एक पेन की, अगर मेरे पास 80 रुपए हैं, 80 रुपए हैं, 80/x, 80/x, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको थोड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। अगर 100 रुपए हैं और मैं 10 10 पेन खरीदता हूँ, ठीक है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 10 पेन खरीदना चाहता हूँ इन 100 रुपए में, तो 100 100 में डिवाइड कर दोगे तभी तो 10 पेन खरीद पाओगे, यस और नो। तो इसका मतलब है जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट के लिए जो अमाउंट है और जो नंबर ऑफ पेन है वो डिवाइड करना होता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको एक पेन की कॉस्ट पता करनी है तो टोटल अमाउंट अपॉन जितने भी पेन तुमने खरीदे हैं, जितने भी पेन तुमने खरीदे हैं डिवाइड कर देते हैं फिर। लेकिन क्या हुआ, कुछ कंडीशन बदल गई, चार पेन तुमने एक्स्ट्रा खरीद लिए, तो अभी तुम्हारी जो कॉस्ट थी वो थी 80/x, अभी जो कॉस्ट थी वो 80/x थी, लेकिन अब तुमने क्या करा, उसी अमाउंट में चार पेन एक्स्ट्रा खरीद लिए। अमाउंट सेम है, देखो लिखा ना, अमाउंट सेम है, फॉर द सेम अमाउंट ही बॉट फोर पेन एक्स्ट्रा, तो 80 रुपए में ही चार पेन एक्स्ट्रा खरीदे, तो जो पहले कॉस्ट पड़ रही थी उससे 1 रुपया कम हो जाता है। तो -1 कर दो इक्वल टू, और इक्वल टू का साइन लगा दो। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, कई बार बच्चों को डाउट होता है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, फिक्स है। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो पक्का है यहाँ पे माइनस ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, फिक्स है ही चीज। यानी क्या कि अगर पहले हमारी कॉस्ट ये थी, हमने चार पेन एक्स्ट्रा कर दी, तो हमारी एक कॉस्ट कम होगी, 1 रुपये कम। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से अब हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो 80/x माइनस का 80/x+4 बराबर 0, बराबर 0, इसमें और इसमें 80 मिल जाएगा कॉमन, 80 मिल जाएगा कॉमन इन दोनों में, तो 80 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/x माइनस का 1/x+4, सॉरी 0 नहीं, ये -1 आया तो +1 आएगा राइट साइड, तो +1 आ गया राइट साइड, तो 80 ब्रैकेट एलसीएम ले लो यहाँ पे, x ब्रैकेट में x+4, x+4 यहाँ पहुंच जाएगा, ये x इधर पहुंच जाएगा, माइनस का x बराबर 1, x x कट गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे या 80 में 320 आ जाएगा, x का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x2+4x आ जाएगा इक्वल टू 1, तो 320/x2+ का 4x आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो x2+4x और ये 320 है, इसको इधर लाइए, तो x2+4x माइनस का 320/0। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ इसका क्या होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा, कमेंट सेक्शन लिखें, कमेंट सेक्शन बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगा इसका, मिडिल टर्म बताइए जरा कितना आएगा इसका, क्या इसका मिडिल टर्म 20/16 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 16 का मल्टीप्लाई करते हो 320 आता है, और इनको माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, यस और नो, 20 और 16, 20 और 16 आ जाएगा, ओके तो इसको ब्रेक कर देते हैं 20 और 16 में, तो ये कितना आएगा वहां से, ये आ जाएगा x2+, ये आ जाएगा 20x माइनस का 16x माइनस का 320/0, ये आ जाएगा x2+ का 20x माइनस का 16x माइनस का 320/0, ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी,
अब इसमें और इसमें x कॉमन मिल जाएगा, तो x ब्रैकेट में x प्लस 20, इन दोनों में माइनस 16 कॉमन आएगा, तो x प्लस का 20 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 20, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए हमारे, ये दो फैक्टर आ गए हैं x प्लस 20 और x माइनस 16। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस 20 को 0 के बराबर करूंगा तो x आएगा माइनस 20, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ पेन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस 20 रिजेक्ट हो गया। x माइनस 16 जीरो करा तो x आ जाएगा 16। इसका मतलब है नंबर ऑफ पेन जो होंगे वो कितने होंगे, 16। नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, वेल डन।